हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहां पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आई होप आपने इंडिपेंडेंस डे अपनी फैमिली और सोसाइटी के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा। सो एज ए प्राउड इंडियन, लेट्स प्लेज दैट हम अपनी कंट्री के लिए जितना हो सके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे एंड वी विल मेक अवर कंट्री प्राउड। आज हम मिले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने के लिए जिसका नाम है स्त्री 2। जी हाँ, बड़े इंतजार के बाद स्त्री जो है वो वापस आ चुकी है और इस बार स्त्री की जगह पुरुष आया है। जी हाँ, लेकिन नाम है मूवी का स्त्री 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी जो है स्त्री मूवी का जो है सीक्वल है, जो स्त्री 2018 में रिलीज हुई थी उसी मूवी का सीक्वल है। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी को बनाया गया है और इस मूवी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत टाइम से इसका बस था कि ये मूवी की स्टोरी क्या होगी और ये मूवी का वेट कर रहे थे हम सब लोग, जिनको स्त्री बहुत पसंद आई थी। खासकर वो ऑडियंस इस मूवी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो आज ये मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने ये मूवी का मॉर्निंग का शो देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या ये मूवी आपको थिएटर में जाके देखनी चाहिए। इस बार स्त्री अपने पीछे पीछे एक पुरुष को लाई है। जी हाँ, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, इस बार आतंक है सरकटे का। तो 15 अगस्त के दिन स्त्री 2 जो है थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार स्त्री 2 के पीछे पीछे आया एक सरकटा। जी हाँ, एक सरकटा राक्षस या दानव जिसे आप कह सकते हैं, एक सरकटा भूत जो स्त्री के पीछे पीछे आया है। और ये वो भूत है और ये वो सरकटा है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया है। जिसने स्त्री को स्त्री बनाया वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। जी हाँ, सरकटे का आतंक। तो सरकटा जो है वो इंसान है जिसकी वजह से स्त्री स्त्री बनी है। स्त्री 2 शुरू होती है वहीं से जहां से स्त्री 1 खत्म हुई थी। स्त्री जो है वो चंदेरी छोड़ के जा चुकी है। लोगों ने स्त्री की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। पूजा में औरतों को खास महत्व दिया जाता है। जब पूजा होती है, जिस पूजा में स्त्री आई थी वो पूजा अब जो है शहर की लेडीज करती हैं। तो इस तरह से सब लोग खुशहाल हैं, सब ये हैं। लेकिन तभी आता है सरकटा। जी हाँ, सरकटे की एंट्री होती है। सरकटा जो है स्त्री को जो सम्मान मिला है वो देख के सरकटा जो है आग बबूला हो चुका है और वो चंदेरी में आ चुका है। अब सरकटा क्या आतंक मचाता है, क्या बदला लेता है, वो इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी को जिस तरह से कंटिन्यू किया गया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉमेडी बहुत अच्छी है, जहाँ तक आप देखेंगे कि जो तीनों जो दोस्त हैं, बिट्टू, जन्ना और जो अपने विक्की भैया हैं, बिक्की प्लीज, उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छी है। और अपने जो पंकज त्रिपाठी जी हैं उनकी कॉमेडी के तो बारे में क्या बोलना। तो कॉमेडी रिलीफ बहुत है और बहुत मस्त कॉमेडी है। हॉरर इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा अच्छा है। कुछ कुछ सीन्स जो है वो एक्चुअल में आपको डरा देंगे। हालांकि ट्रेलर में आपने बहुत सारे हॉरर सीन्स देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब आप उसको थिएटर में देखेंगे तो भी कुछ कुछ सीन्स आपको डरा देंगे। तो वो भी बहुत अच्छा इन्होंने कवर किया है। हालांकि कुछ चीज़ें जो है इसमें लॉजिकल नहीं है, लेकिन लॉजिक को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको ये मूवी इन्जॉय करना है और आप ये मूवी इन्जॉय करेंगे तो लॉजिक को आप साइड में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए और मूवी इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी में कुछ स्पेशल अपीयरेंस भी हैं। एक एक्टर वो है जिन्होंने हॉरर कॉमेडी की शुरुआत की थी और वो उस मूवी के सीक्वल में नहीं थे, रिप्लेस कर दिए गए थे। आपको आइडिया लग ही गया होगा। और दूसरा जो स्पेशल अपीयरेंस है वो उस एक्टर और उस कैरेक्टर का जो इन्हीं मेकर्स की जो क्रिएशन है उनका है, उन्हीं का यूनिवर्स का एक पार्ट है। और उसको इस स्टोरी में कैसे कोलैबोरेट किया ये आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको पसंद भी आ सकता है। मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि उसका कुछ मेरे को लिंक समझ में नहीं आया कि कैसे वो लिंक यहाँ पे फिट होता है। लेकिन ठीक है, कहानी है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग था तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। दूसरा जो फर्स्ट जो कैमियो मैंने बताया था वो भी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। बट जो लोग उस एक्टर के फैन हैं और जो लोग इस मूवी के फैन हैं जिसका कोलेब्रेशन यहाँ पे किया गया है, आई थिंक उनको वो देख के मज़ा आएगा। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, फैमिली के साथ इंजॉय करने लायक है। अभी लॉन्ग वीकेंड है, बहुत सारे लोग जो है हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ये मूवी जाके देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप मेरा रिव्यू देख के ये मूवी देखने वाले हैं तो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको वो कैमियोज कैसे लगे और आपको जो स्टोरी है वो कैसी लगी।
मुझे इसका जो एंड है वो थोड़ा सा सेम लगा फर्स्ट पार्ट जैसा, लेकिन थोड़े से जो जो उन्होंने क्लाइमेक्स में जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उसको, और जो कोलैबोरेशन किया वो मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि ना मैं वो कैमियो वाले एक्टर का फैन हूँ और ना ही मैंने वो मूवी देखी जिसका कोलैबोरेशन इस मूवी में किया गया है, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। बट ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए मुझे पता था कि ऐसा कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि वो बस बना हुआ था पहले से ही कि इस मूवी में बहुत सारे कोलैबोरेशन हो सकते हैं, तो ये मुझे पहले से आइडिया लग गया था। इसलिए हो सकता है कि अब मैं वो मूवी देखूं जिसका कोलैबोरेशन इस मूवी में किया गया है तो शायद वो इंटरेस्ट बन जाए, लेकिन मुझे ये मूवी अच्छी लगी है और इस मूवी को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1.5 स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि वही कैमियो वगैरह मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे और एंडिंग मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था। जो कॉन्फ्लिक्ट बताया दो हॉरर एंटिटीज के बीच में वो इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं देता हूँ इस मूवी को 3.5 स्टार्स। अगर आप ये मूवी देख चुके हैं और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।